पार्किंग लै के गलबात करेंगे अफसर साहब नाल। सर जी पार्किंग है रोड के उपर ही है जी, कहते कि 31 तरीक तक खत्म हो गई अंदरली पार्किंग की है, पूरा मैटर की है जी? मैं ऑलरेडी सू दस चुके कि एक पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट इतने होना हले पिछले साल का लैप्स हो चुका, नवे कॉन्ट्रैक्ट के जोड़े बिडर से उन्होंने मैं आपस कुछ अंडरस्टैंडिंग लगी सी, किसी ने जो न्यूनतम बिड रेट से उससे किसी ने बिड नहीं दिता जी। सो असं नहीं चाहते कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस हो, क्योंकि पिछले साल के ठेके तो भी डाउन जा रहा है ठेका जी। सो असी रीटेंडरिंग का ऑर्डर दिता है, जब तक कोई हफ्ते का टाइम है रीटेंडरिंग होंगी है, टेंडर दोबारा आते हैं ओपन किए जाते हैं, वो गैप के जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने असं क्या कि एक हफ्ते होर तक वो कंटिन्यू कर ले। सर पर जे कहा जा रहा कि जी सड़क वाली पार्किंग तुम्हें कि देख रहे हो रोड से, मेरे नॉलेज से नहीं कि उन्हें सड़क पर किसी की पर्ची कट्टी है, मैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लूँगा, जो उन्हें इस तरह की कोई हरकत की अपना बंद कर दें। सर कार्रवाई होगी? हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अफसर अधिकारियों का कहना कि जिन्होंने नजायज पर्ची कट्टी या नजायज पार्किंग जिन्होंने रोड से बनवाई उन्होंने उत्ते सख्त तो सख्त जी कार्रवाई की जाएगी। पार्किंग बारे तो ऑलरेडी जी है ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर इन्हों अलॉट की जाती है, बट जगह जगह पार्किंग का तो कोई भी है नहीं इस तरह का प्रोविजन भी ये कर सकन। पर सर जब आप जी पार्किंग जाने वो कहते हैं कि आप अंदर पैसे देने हैं, रोड के उत्ते जो फुटपाथ बनिया वा उत्ते गड्डियां ला के 50 रुपए फोर व्हीलर 20 रुपए टू व्हीलर के लेंदे पे ने, ते कहंदे असीं पैसे देन दे अंदर नहीं, वो तो डिस्ट्रिक्ट नज़र तो आप चैक कर सकते हैं भी जी इन्हों पार्किंग अलॉट की है वो किस पीरियड की और की वह रेट है, जे इन्होंने ज़्यादा चार्जिस किए हैं जिदा तुम अच्छ दसिया वा वो मैं अच्छ कापी वो मंगा लैंना वा, फिर अभी पार्किंग कैंसल करके नवे से। सर चार्जिंग की तो गल ही नहीं कोई गल है कि रोड के उत्ते पार्किंग बनाने के रोड से बिल्कुल नहीं अलाओ, ईवन मैनू भी कई बार जो मैं अंदर आना मैनू अपनी बलैरो जो मेरी अंदर आँदी है रस्ता ब्लॉक किया हों उ कारा खड़िया होंगे ने, इन अगे भी दो बार किया वा फिर हम सख्ती करा तो जो फिर भी पब्लिक नहीं हटेगी फिर मैं अपने ACP ट्रैफिक न कह के फिर टोल से बुला के फिर गड्डिया भी चुकाई जा। जिन्होंने ठेका दिता गया भुट्टो भुट्टो नाम का लड़का जिन्होंने ठेका दिता गया वो कहता 12 साल तो मैं इस रोड के उत्ते लाण डिया वा, मैनू किसी ने रोकया नहीं है तो मैं हर साल पैसे देना पाया ठोक के 15 लाख रुपया देना, कहता जी मैनू रोक नहीं सकते। वो तो जो भी है ऑप्शन होंगी है ऑप्शन के जो भी जिते तक जाती है बोली कोई भी दे सकता है, बट वह मतलब यह नहीं है भी सड़कों का कोई मालिक हो गया भी जिते मर्जी पार्किंग हो गई, वो बिल्कुल नहीं, जो एज पर लॉ और एज पर नॉर्म जो अपनी ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਆਮ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਾਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ? मैं ये बारे कुछ नहीं कहता, ना मैंने ये बारे कोई नॉलेज है, क्योंकि मैं आप एक सरकारी अफसर रिटायर होया, मैं इन चीज़ों को कभी बदल नहीं किया भी मिले कि नहीं मिले। सरकारी अफसर हो, एक सरकारी अफसर के तौर पर मैं पूछूंगा, पर वैसे ये जायज़ है या नाजायज़ है? मैं हूँ रिटायर्ड हाँ। नहीं हूँ कि देख रहे हो फिर? नहीं होना चाहिए, मैं तो यो कहना भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए कार पार्किंग स्कूटर पार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए हैगी है, लोगों कोई मुश्किल ना आए। बाकी मैं ये नहीं कह सकता भी कोई किसी ने मिले ये बारे नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੁੰਜਲ ਲਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਜੋ ਰਹੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ
लिंक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। गलबात करके सर कि वेख रहे हो पार्किंग? सर नजायज पार्किंग है, बहुत ट्रैफिक होती है, कई बार बहुत लेडीज डिगिया ने, ठीक है, ये वाल सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगता कि जड़िया सड़क के उपर गए हाँ बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा कुछ इतने नजायज प्राइवेट ठेकेदार ने, आके नजायज परचे कट लगते हैं, इन्होंने वाल बगैरा ध्यान देना चाहिए। लगता कि गुंडा? हाँ जी हाँ जी। तस्वीरें देख सकते हो कि सड़क के उपर ही जो मोटरसाइकिल जड़िया गड्डिया लगाई हुई, तो लोग काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पै रहा, क्योंकि लोग अपने इतने जिहड़ा कि अपने फार्म जा भरनाउंदे ने जां कोई होर डॉक्यूमेंट करनाउंदे ने, पर लोगों के वलों इतने लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पै रहा। गलबात होर भी लोगों के नाल करदे आ कि सर एक ही नाम है प्लीज। की नाम है? मेरा नाम जी एक सूबेदार सलिंदर साहब। सूबेदार साहब कितना देख रहे हो तुम जो गड्डिया रोड उपर लगिया पार्क परची कटी जा रही है? सर बहुत ज़्यादा गलत आ, इन्ना गलत आ भी मैं जी हूँ की सरकार उन्होंने अगर दोनों हाथ जुड़ के अपील करता हाँ भी इतने कोई एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि इतने कचहरी के अगे आ जो सिविल हॉस्पिटल चल जाइए, ये सरकारी जगह आ, सरकारी जगह के उपर गड्डिया और बाइक लाए जाते हैं और बिल्कुल उस वक्त 20 रुपए छोटे बाइक के 50 रुपये गड्डी के, और इतने बहुत एक्सीडेंट होंगे आ, सारी सरकारी जगह के उपर गड्डिया ला के ना जगह मली आ और गड्डी गड्डी वाड़ी जा रहे हैं और कोई इतने पूछ नहीं रहा, क्योंकि पहले तो पूछने वाला कोई नहीं सी। हूँ मेरी सरकार अगर दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आ भी ये जो गलत धंधा इनू बंद किया जाए और जिथे मंजूर सुधा पार्किंग बनती उत्थे ही की जाए। पर कितना देख रहे हो कि यह रस्ता लंघन वाला, तो वेखो सकते हो कि फुटफुट तो उपर भी जड़िया कि रोड उपर सड़क गड्डिया लगी हुई एक्सीडेंट का कारण समझ रहे हो? सर बहुत वड्डा एक्सीडेंट का कारण है, छोटा नहीं आ, और एक्सीडेंट होंगे भी आ, बहुत ज़्यादा होंगे एक्सीडेंट जो ही कोई बच्चा ज रोड भी कई जगह के खड्डे है, बट ये गड्डिया उपर लगिया कारण ये रोड भी बहुत ज़्यादा वगदा जिदे कारण बहुत एक्सीडेंट होंगे आ, कई बाइक इतने डिगे आ, कई टुटे आ, पर किसी ने अज तक एक्शन नहीं लिया कि ये पार्किंग का मतलब की, सानू तो खुद नहीं समझ आती। अफसर हाथ मिल के पार्किंग बनाई सर, ये तो सारी दुनिया जानती आ भी जिथे ताड़ी तो एक हथ ना वजदी नहीं आ, पार्किंग बन का मकसद ये होंगे भी कोई सपोर्ट करे दे, नहीं तो मैं भी अपने घर अगर पार्किंग बना सकता, ये नहीं कि सरकारी जगह तो जोड़ा मर्जी पार्किंग बना ले, जिन्ने चर किसी का कोई हाथ ना आए मगर आशीर्वाद ना आए उन्ने चर कोई भी इतने आ पैसे नहीं करा सकता, ये तो श्योरिटी है। मिले मिली मुक्त कह सकते हैं कि मिली मुक्त हैगी आ कि अफसर के भी हाथ मिले हुए हैं इन्होंने पार्किंग लैके, तो आम लोगों के वालों यही अपील की जा रही है कि जड़िया जोड़े लोग रोड उपर गड्डिया ला देंगे ने परचिया ये करते हैं, मोटरसाइकिल की परची 20 रुपये तो गड्डी की जी परची आ 50 रुपये रखी गई है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। होर भी लोगों ने अभी गलबात करा की कहना उन्होंने? बिल्कुल जी पार्किंग वाले परचिया कटिया जा रही सी, परचिया हूं तक कि परचिया कट चुके हो तुम्हें? बिलकुल जी दे सकते हो कि परचिया लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पै रहा, जो नौजवान ने 300 रुपया दिहाड़ी लेंदे ने, इन्हां दे वल्लों इह वी गल कही जा रही आ कि असी तो अपनी जी ड्यूटी आ निभा रहे हैं, मेन जोड़े बंदे ने होर कोई ने। गलबात करा नौजवान नौ सर कि वेख रहे हो तुम तो ड्यूटी कर रहे हो अपनी की है की आ नहीं की है की चक्कर की पूछ लो भाई कौन है अंदर नहीं वह कि परची वह परची कि बिल्कुल जी सरकारी दफ्तर आ तो अंदर है परची कटी जाती है गलबात करा सर की नाम है? मेरा नाम विकास जी। विकास जी परचियां कटी जा रही हैं? ए डीसी दफ्तर वालों सानू मारे उन्होंने हुक्म है दफ्तर डीसी साहब वालों जीए दफ्तर आप गए हैं जिदन इन्हों की 31 तारीख तक है ठेका उस वक्त खत्म हो गया है, उस तो बाद इन्होंने आप अंदर जाके सर जो तुम ठेका बंद करना इस तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होना तुम ठेका चलन दो, उन्होंने जीए साहब ने कहा कि इदा इदा आप ठेका तुम 8 तारीख तक अलाटमेंट हैगी है 8 तारीख तो बाद जरा जाएगा उन्होंने दिता जाएगा। ठेका खत्म हो गया 5 दिन उपर हो गए? नहीं 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 सर 31 तारीख का खत्म होया अज तरीक वे लो कि है
ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੰਨੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੰਦੀ ਆਪਾਂ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਰਖਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਇਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੇਕਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਇਰਖਾਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 25-26 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮੋਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋ ਆਪਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੇ 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 ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਚਲਾਓ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਮਨਜਿੰਦਰ